हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आयशा जिशान और मेरे चैनल का नाम है इट्स रेंट फातिमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी आईज को प्रेप एंड प्राइम कर सकते हैं बिफोर मेकअप। सो उसके लिए मैंने अपनी आईज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया। मॉइस्चराइज करना अपनी आईज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैंने बेरीफाई बाय आमना का रोज़ गोल सीरम जो है वो ले लिया। ठीक है, सीरम को लगाने के 2 से 3 मिनट के बाद मैंने जो है बेरीफाई बाय आमना का ही प्राइमर यूज़ कर लिया। और प्राइमर जो है वो भी मैंने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, इनका बहुत कमाल का प्राइमर है, वो ले लिया। और प्राइमर को यूज़ करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये शेडो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखता है और शेडो को होल्ड करके रखता है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम यूजिंग इज़ जूश का मैंने पोमेड ले लिया फॉर आईब्रोज, क्योंकि आईब्रोज को फिलअप करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी आई मेकअप के लिए। सो आईब्रोज को अभी मैंने फ़िलअप कर लिया। ठीक है, आप लोग कोई भी पोमेड या आई पेंसिल जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ आई बेस कंसीलर या फिर कोई भी आई बेस। दिस वन विच आई एम यूजिंग इज़ अ डर्माकोल की फाउंडेशन। मेक श्योर कि आपका कंसीलर बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। ठीक है, मैंने कंसीलर जो है डर्माकोल की जो बेस है वो एज आई बेस अप्लाई कर ली है। उसके बाद मैंने जो है अपने लेंसेज को अप्लाई कर लिए। लेंसेज अप्लाई करने से ये है कि आपकी जो मेकअप है उसमें बहुत खूबसूरती आ जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है आपकी आईज। ठीक है, देन उसके बाद जो है मैंने इसके बाद मैंने मेबेलिन का एज रिवाइन कंसीलर ले लिया। बहुत ही बेस्ट एवर कंसीलर है ये भी, और इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया। देन उसके बाद मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना कंट्रास्ट लोशन पाउडर अप्लाई कर लिया। इसको मैंने टैप टैप करके जो है बिल्कुल लाइट हाथों से मैंने इसको अप्लाई कर लिया था। देन उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से इसको छोटे से जो ब्रश है उसकी हेल्प से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हो गई है मेरी आईब्रोज कंप्लीट और मेकअप के लिए रेडी है मेरी आईज। ठीक है, सो अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि इस आईज़ में और मेरी दूसरी आँख में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कोई आई बेस नहीं यूज़ की हुई और ना ही मैंने कोई भी पोमेड यूज़ किया है अपनी आईब्रोज के लिए। अगर हम एज इट इज़ अपनी जो आईज़ है इस पे मैं मेकअप कर लूँगी तो उससे यह है कि हमारा जो आई शेडो है वो उतर जाएगा और थोड़ी देर के बाद वो डल हो जाएगा और आई शेडो जो है इन्हेंस होकर नहीं आएगा जिस तरह से के उसको आना चाहिए। ठीक है, सो गाइस, लेंसेज लगाना इज ओनली अप टू यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को लेंस जो है वो मस्ट लगाना पड़ेगा। मैंने जस्ट आपको लेंस लगा के बताया कि लेंस लगाने से जो है खूबसूरती में आई मेकअप की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा होता है। सो इट्स ओनली अप टू यू। ठीक है, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।